हेलो फ्रेंड्स, आज हम मसाला नान बनाने वाले हैं जो आपने यूट्यूब में किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मसाला आटा बनाने के लिए मसाला नान बनाने के लिए 2 कप आटा और 2 कप ही मैदा लेते हैं। फिर उसके अंदर हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अगर आप चाहते हैं कि गार्लिक जिंजर गार्लिक डालें तो थोड़ा सा, वो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पीसी भी बिल्कुल बारीक बारीक पीसा हुआ। और इसके लिए मैंने 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है, जिसको लच्छे बना देंगे लंबा लंबा काट के। पतला पतला काटा है बिल्कुल, उसके लच्छे तैयार कर देंगे। सा सोडा, खाने का सोडा, मीठा सोडा, और थोड़ा सा ही बेकिंग पाउडर। ये वाला बेकिंग पाउडर लेना है। 1/2 चम्मच हरी मिर्च, 1/2 धनिया, फ्रेश धनिया, और 1/2 कप दही लेंगे। अब इस आटे को हम मुलायम गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक मुलायम गूंथ तैयार कर लेंगे, आटा तैयार कर लेंगे। इस तरह हम एक मुलायम डो तैयार कर देंगे, आटा तैयार कर देंगे। और अब इसको साइड में रख देंगे ताकि ये फूल जाए, आटा फूल जाए। ढक के साइड में रख देंगे। जब तक वो आटा फूल रहा है, जितने हम पनीर की एक सिंपल तरीके से लॉकडाउन में बनने वाली सिंपल तरीके से सब्जी बना देते हैं, पनीर की सब्जी। उसके लिए हमने सबसे पहले घर का बना हुआ पनीर लिया है। आप चाहे मार्केट से भी ला सकते हैं, लेकिन अभी आसानी से घर पे बनाया जा सकता है। उसके लिए हम पनीर के ऊपर पनीर के छोटे छोटे पीसेस काट दिए, उसके ऊपर थोड़ा नमक डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, पनीर की सब्जी बनाने के लिए हमें कढ़ाई में सबसे पहले थोड़ा सा तेल डालना है। उसके साथ आप थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हैं चाहे तो, उसका फ्लेवर अच्छा था, जो भी आपको पसंद हो, बटर भी कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसको मेल्ट होने देंगे। अब ये घी मेल्ट हो चुका है, तेल मेल्ट हो चुका है। इसमें हम पनीर रखेंगे हल्का सा देखने के लिए। इस तरह पनीर को हम हल्का भूरा होने तक थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, हल्का ब्राउन। अब हमारा पनीर अच्छे से ब्राउन हो चुका है, सारे पनीर के पीसेस। अब हमारा पनीर सिक चुका है, अब हम पनीर की सब्जी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए 2 टेबलस्पून ऑयल, तेल डालेंगे कढ़ाई में। उसी के साथ तेल गरम हो जाए, फिर हम 1 छोटी दालचीनी, 2 तेजपान, 2 लौंग और 2 ही काली मिर्च, 2 छोटी इलायची डालेंगे, हरी इलायची, जिनका मैंने मुंह इस तरह खोल दिया है ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए।
इसमें लहसुन की कलियां, 4 लहसुन की कलियां डालेंगे, जिनको अच्छे से पका लेंगे। इसको अच्छे से पकने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ 2 नॉर्मल साइज के मीडियम साइज के प्याज डालेंगे, बारीक कटे हुए, बिल्कुल बारीक है। और इसको अच्छे से ट्रांसफर होने तक पकने देंगे। अब हमारे प्याज अच्छे से पक चुके हैं। प्याज को कच्चा बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि कच्चापन अच्छा नहीं लगता है। प्याज को एकदम ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। देखिए हमारा प्याज बिल्कुल पक चुका है। अब इसमें अदरक, किसी भी अदरक डालेंगे, थोड़ी सी आधा इंच। 2 हरी मिर्च डालेंगे, इसको भी अच्छे से पकने देंगे। और 2 मीडियम साइज के टमाटर डालेंगे, जिनको हमने बारीक बारीक चॉप किए होंगे। बारीक टमाटर को बारीक एकदम गलने तक पकाएंगे। ये इस तरह से टमाटर बिल्कुल गल जाएंगे, तब तक हमें पकाना है। अब इसके अंदर हमें लाल मिर्च पाउडर, 1-2 टेबलस्पून नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डालना है और इसे भी अच्छे से पकाना है। देखिए अच्छे से पकने लग गया है और तेल भी छोड़ने लग गया, घी भी छोड़ने लग गया है। अब इसके बाद हम फ्रेश मलाई लेंगे, इस मलाई को भी इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास क्रीम हो तो वो भी ले सकते हैं, बाकी मलाई भी ले सकते हैं। अभी ये लॉकडाउन के लिए सब्जी बहुत अच्छी है, ये सारी चीजें घर पे आसानी से मिल जाती है। देखिए घी छोड़ने लग गई है मलाई, मलाई में भी बहुत घी होता है, ये घी छोड़ने लग गई है। आप इस जगह काजू की ग्रेवी भी डाल सकते हैं, काजू नहीं हो तो मूंगफली को भी बारीक बारीक दरदरा पीस के आप इसमें डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अगर कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे तो इसमें कलर अच्छा आएगा, 1/2 टेबलस्पून। ये सिर्फ कलर के लिए होती है, इसमें तीखापन नहीं होता है। देखिए घी छोड़ने लग गई है, बहुत अच्छा सा घी तेल सब छूट चुका है और बहुत अच्छा फ्लेवर आ चुका है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। मलाई ने घी छोड़ दिया है, मलाई बिल्कुल सब्जी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, अभी पानी डालने के बाद इसको इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, इसको हम हथौड़े के बीच में रगड़ के और कसूरी मेथी डाल देंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। हमें सब्जी थोड़ी गाढ़ी लग रही है, हम इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। ये देखिए हम थोड़ा पानी और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। और अभी इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे, रेस्ट पे देंगे। बहुत अच्छी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हम पनीर डाल देंगे, जो हमने पनीर पहले थोड़ा सा सेका था, ये पनीर डाल देंगे और इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे।
हरा धनिया डालेंगे लास्ट में। और ये हमारी पनीर की सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लास्ट में इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल देंगे ताकि थोड़ा मिठास भी आए, होटल जैसा फ्लेवर आ जाएगा इसकी वजह से। ये हमारी पनीर की सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बिल्कुल एकदम होटल स्टाइल में पनीर की सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हमारा आटा भी बिल्कुल फूल गया है, जितने पनीर की सब्जी बनी तब तक हमारा आटा बिल्कुल फूल के एकदम तैयार हो चुका है। अब हम इसका लोई बनाएंगे। लोई बना के आटे में लगा के और इसे हम गोल गोल बेलेंगे। इसकी किनारे बिल्कुल पतली करनी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। हल्का मोटा करना है इसको, हल्का मोटा, रोटी और पराठे के बीच का। अब हमारी ये नान बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये देखिए, और हमारा तवा भी एकदम गर्म हो चुका है। अब इस पे हम थोड़ा थोड़ा तेल लगाएंगे। और दोनों तरफ से इसको अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे, अच्छे से सेक लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से किनोरे बिल्कुल कच्ची नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए एकदम पराठा भी नान बिल्कुल सिक चुका है। मेरे तो मुंह में बहुत पानी आ रहा है। अच्छा, ये तुम्हारे लिए ही है, ये तुम ही स्टार्ट करोगे। देखिए बहुत टेस्टी लग रहा है। यम्मी। और ये लगा दिया है। वाव। थोड़ी सी काकड़ी रख दें। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे आप बनाइए घर पे लॉकडाउन में और खाइए, बहुत स्वादिष्ट है।